हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत तुम्हारी है, बस अपनी सांसों को अपनी निगाहों में रखो। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद एजे में आपका स्वागत है। और आज है 3 नवंबर और आज मैं लेकर के आया हूँ इस बूस्टर डोज का पार्ट 11 और पार्ट 10 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जिससे कि आप एक वीडियो की मदद से दूसरे वीडियो तक आसानी से पहुँच सको। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो बिना समय गवाते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैप्रोलेक्टम इज ए रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलॉन 6 इज द प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। मतलब कैप्रोलेक्टम जो है वो नायलॉन 6 के प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि नायलॉन 6 के प्रोडक्शन के लिए, नायलॉन 6 के मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल कौन सा है, तो वो है कैप्रोलेक्टम। ठीक है, तो कैप्रोलेक्टम इसका रॉ मटेरियल है, ये किससे बनता है, विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए फिनॉल, ऑप्शन बी नेफ्थलीन, ऑप्शन सी बेंजीन और ऑप्शन डी पायरिडीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेंजीन, और बेंजीन का तो आप लोग जानते ही होंगे स्ट्रक्चर है ना, इस टाइप का होता है और एक के बाद एक डबल बॉन्ड होता है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोपिरिन। जब क्लोरोपिरिन का पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो क्या बनता है। ऑप्शन ए थायोकॉल, ऑप्शन बी ब्यूटाइल रबर, ऑप्शन सी नियोप्रीन और ऑप्शन डी पॉलीयुरेथेन रबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नियोप्रीन। ठीक है, जब क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो नियोप्रीन बनता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को घुमा के आपसे ये पूछ दिया जाता है कि नियोप्रीन किससे बनता है, तो क्लोरोप्रीन से। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल स्टेयरिंग व्हील आर नॉर्मली मेड ऑफ। ऑटोमोबाइल का स्टेयरिंग का जो व्हील होता है वो नॉर्मली किसका बना होता है। ऑप्शन ए सेलुलोज एसीटेट का, ऑप्शन बी सेलुलोज नाइट्रेट का, ऑप्शन सी पीवीसी का और ऑप्शन डी हाई डेंसिटी पॉलीथीन का, HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDPE। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेलुलोज एसीटेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आजकल पूछता है एग्जाम में, तो आपको इसका आंसर बताना है। देख लीजिए कि एक तरफ ये पॉलीमर दिया हुआ है, एक तरफ उसका मोनोमर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसका बताना है। जैसे नेचुरल रबर का कौन सा है, नेचुरल रबर का आप लोग देखे होंगे, अगर हमारे सारे वीडियो को आप लोग देखते हैं तो आपको पता ही होगा नेचुरल रबर किसका है, आइसोप्रीन का। मतलब ए का जो हो गया 3 है ना, तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ए का 3 कौन कौन ऑप्शन में है। तो देखिए, ये ऑप्शन तो ऑलरेडी कट गया और ये ऑप्शन भी ऑलरेडी कट गया। मैचिंग टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप से आप सॉल्व करना, जैसे ही एक दो कन्फर्म आंसर आए आप लोग ऑप्शन में से छांट देना। अब कंपटीशन बस इसमें है और इसमें है। ठीक है, तो अब कह रहा है दूसरा ऑप्शन पॉलीथीन। ठीक है, तो पॉलीथीन क्या है, मोनोमर है। पॉलीथीन क्या है, मोनोमर है। अब पीवीसी का तो यहां ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड, इसका तो आंसर हो जाएगा सी का 3 है ना। मतलब अब देखना है सी का 3 कहाँ पे है। देखिए सी का 3 यहाँ कहाँ पे है, तो इसमें। मतलब यहाँ पे कह रहा था सी का, ये ऑप्शन भी कट गया, मतलब ये कट गया, ये कट गया और ये इसका, तब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में अगर मैचिंग टाइप है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो भी है सब आपको आए। अगर उसमें से 3-4 भी आता है, अगर ये तो 3 का था, अगर 4-5 वाला भी दे उसमें से अगर आपको 3 भी आता है तो आप ऑप्शन में ढूंढ करके छांट सकते हैं।
ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द टर्म इंट्रेनर यूज्ड इन, इंट्रेनर का यूज जो है किस में किया जाता है। ऑप्शन ए मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी रिएक्टिव डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है, ये सब क्वेश्चन तो हम डेली टेस्ट में करवा चुके हैं, अगर आप हमारा डेली टेस्ट देते हैं तो इसका आंसर आप लोग खुद ब खुद ढूंढ लिए होंगे, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। ठीक है, आप बस अपना जो तैयारी करते हैं वो तो करिए, लेकिन आप हमारे डेली टेस्ट में और हमारे वीडियो को आप जरूर देखिए, फिर आपको एग्जाम बाद फायदा दिखने को मिलेगा, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का दिया हुआ है, ठीक है, ये सॉल्वेंट और ये लिक्विड मिक्सचर और ये स्ट्रक्चर है, जिसमें से कि एक्स जो है ये सॉल्वेंट इसमें ज़्यादा है और इसमें क्या है वाई में सॉल्वेंट कम है, है ना। तो आपको बताना है कि इसमें से एक्स जो है, इसमें से एक्स जो है क्या है, इसमें हम लिखना भूल गए हैं, बता देते हैं, एक्स इसमें से जो है क्या है। ठीक है, तो एक्स एक्सट्रैक्ट है रेफिनेट है या रेसिड्यू है। तो आप लोग एक्स इज, ये क्वेश्चन में ही होगा लिखना भूल गए हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जिसमें ये एक्सट्रैक्शन में जिसमें एक्स सॉल्वेंट जो है ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्ट फेज। ठीक है, एक्सट्रैक्ट, और जिसमें सॉल्वेंट कम होता है उसको बोलते हैं रेफिनेट। ठीक है, तो सॉल्वेंट रिच वाला जो होता है, सॉल्वेंट रिच वाला वो होता है एक्सट्रैक्ट। ठीक है, और कम वाला क्या होता है रेफिनेट, ये भी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान दें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड ए रिप्रेजेंटेशन ए ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में ये वाला ए जो है क्या है। तो आप लोग अच्छे से देखे पढ़े होंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में ये ए जो होता है, जो यहाँ शीर्ष पे होता है, वो होता है प्योर कंपोनेंट। वो क्या होता है, प्योर कंपोनेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सो राइट आंसर हो जाएगा, प्योर कंपोनेंट ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग ड्राइंग ऑपरेशन इट इज इजियर टू रिमूव डैश मॉइस्चर, ड्राइंग ऑपरेशन में कौन से मॉइस्चर को हटाना आसान होता है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर, क्रिटिकल मॉइस्चर, अनबाउंड मॉइस्चर, बाउंड मॉइस्चर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनबाउंड मॉइस्चर। क्या हो जाएगा, अनबाउंड मॉइस्चर को इजिली ड्राइंग ऑपरेशन में रिमूव किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इन फ्लू गैसेस एनालिसिस बाय ऑर्सेट ऑपरेटर्स कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व बाय। अब कल के वीडियो में मैं आपको बताया था ऑक्सीजन को जो ऑब्जर्व किया जाता है वो किससे ऑब्जर्व किया जाता है, और उससे मैं आपको तीनों आंसर बता दिया था। तो आप लोग इसमें लगा लीजिए आंसर, ऑप्शन ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी डाइल्यूट पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी क्यूप्रस क्लोराइड, अल्कलाइन पाइरोक्लोरिक सॉल्यूशन। तो कल हम आपको बताए थे तीनों का, आपको बताए थे ऑक्सीजन जो ऑब्जर्व किया जाता है वो ऑब्जर्व किया जाता है अल्कलाइन पाइरोक्लोरिक सॉल्यूशन से। हम आपको बताए थे ऑक्सीजन को इससे ऑब्जर्व कराया जाता है, क्यूप्रस क्लोराइड से हम आपको बताए थे सीओ को किया जाता है, सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर आपको याद है, अगर इसका आंसर भूल भी गए तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले साइड हो गया। ठीक है, तो और उसमें आप देखे होंगे कि डाइल्यूट पोटेशियम कार्बोनेट कुछ नहीं था, किसी को नहीं ऑब्जर्व, यहाँ पे ये इसका राइट आंसर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जुंकर्स कैलोरीमीटर यूज टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ, जुंकर्स कैलोरीमीटर जो है किसका कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए पल्वराइज्ड कोल, ऑप्शन बी गैसियस फ्यूल, ऑप्शन सी फॉसिल फ्यूल,
सॉरी फ्यूल ऑयल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गैसेस फ्यूल। जुंकर्स कैलोरीमीटर का यूज गैसेस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू निकालने में किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग ए। सॉल्यूशन का ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है इसमें से क्या डिटरमाइन करता है सॉल्यूशन का। ठीक है, पिछले एक वीडियो में हम बताए थे सॉलिड का जो करता है वो किसके द्वारा, पोलारोमीटर के द्वारा, आपको हम बताए थे, सॉरी पोलारोग्राफ के द्वारा। तो ऑप्शन है पोलारोमीटर, ये सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, पोलारोग्राफ ये सॉलिड के लिए आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है सॉल्यूशन का ऑप्टिकल एक्टिविटी वो पोलारीमीटर के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस इज डिटरमाइंड बाय द। गैस का कंपोजिशन, नेचुरल गैस का कंपोजिशन किसके द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन ए हल्डेन एपरेटस, ऑप्शन बी मास स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफ, ऑप्शन डी बोथ बी और सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, मतलब मास स्पेक्ट्रोमीटर से और क्रोमेटोग्राफ दोनों से नेचुरल गैस का कंपोजिशन निकाला जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कैरेक्टराइजेशन फैक्टर ऑफ ए क्रूड ऑयल इज कैलकुलेटेड एज 12.5। इट मींस इट इज, मतलब कैरेक्टराइजेशन फैक्टर जो है वो 12.5 आया है, इसका मतलब कि वो क्रूड किस टाइप का है। ऑप्शन ए पैराफिनिक, ऑप्शन बी नेफ्थेनिक, ऑप्शन बी इंटरमीडिएट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पैराफिनिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैराफिनिक। 12.5 पे ये है पैराफिनिक। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द कैरेक्टराइजेशन फैक्टर ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इज। अब देखिए, अब यहाँ पे पूछ रहा है क्रूड का कैरेक्टराइजेशन फैक्टर क्या होता है, कितना होता है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 28। तो कैरेक्टराइजेशन फैक्टर जो क्रूड पेट्रोलियम का होता है वो होता है 11। कितना होता है, 11। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोवर्स साल्ट इज केमिकली। ग्लोवर्स साल्ट जो है केमिकली इसमें से क्या है, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आप लोग चुन लीजिए। अगर आप इसका राइट आंसर पोटेशियम सल्फेट लगाए हैं तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर इसमें दिया ही नहीं है, नन ऑफ दिस। क्योंकि ग्लोवर्स साल्ट जो होता है वो होता है सोडियम सल्फेट। ग्लोबर साल्ट क्या होता है, सोडियम सल्फेट। और थोड़ा सा ग्लोबर साल्ट के बारे में देख लेते हैं कुछ पॉइंट जो कि किसी किसी क्वेश्चन में पूछ देता है। ग्लोबर साल्ट इज द डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फेट। क्या होता है, सोडियम सल्फेट। और इसमें एक पूछने वाला चीज है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लोबर साल्ट कैन बी रिटन एज Na2SO4 × 10H2। दिस इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन को लाने का मेरा मेन मोटो ये है कि एक तो आपको ये याद हो जाए ग्लोबर साल्ट जो होता है वो सोडियम सल्फेट होता है और उसका फॉर्मूला Na2SO4 × 10H2O होता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ H2O भी याद रखना है, किसी में ऑप्शन में आपको ऑप्शन सिम रहेगा, 10 की जगह 7 दे देगा, आधा दे देगा, तो वहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्लोबर साल्ट में जो है सो वाटर मॉलिक्यूल 10 होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिप्सम इज केमिकली। जिप्सम जो है केमिकली क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है या कैल्शियम सल्फेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिप्सम जो है वो कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, जिप्सम जिसको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो जैसे किसी का बोन्स वोन्स को कुछ क्रैक हो जाता है तो हॉस्पिटल में आप लोग देखे होंगे ऊपर वो लेप चढ़ाया जाता है,
वही होता है जिप्सम, ठीक है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इज ए, हीमोग्लोबिन क्या है? ऑप्शन ए एमिनो एसिड, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी एंजाइम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। एमिनो एसिड क्या है? एक प्रोटीन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन डिसाइडेड द, केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या डिसाइड करता है? ऑप्शन ए रेट कांस्टेंट, ऑप्शन बी कन्वर्जन, ऑप्शन सी रिएक्शन स्पीड, ऑप्शन डी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्वर्जन। लिमिटिंग रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में कन्वर्जन को डिसाइड करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए स्पेस वेलोसिटी ऑफ 5 पर आवर मींस दैट, अगर स्पेस वेलोसिटी 5 पर आवर है इसका कहने का मतलब क्या हुआ? एक बार आप लोग ऑप्शन को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, एक बार ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है कि 5 रिएक्टर वॉल्यूम ऑफ फीड आर बीइंग फेड इनटू द रिएक्टर पर आवर, या एवरी फाइव आवर रिएक्टर इज बीइंग फिल्ड विथ, ठीक है। और ऑप्शन सी 100% कन्वर्जन कैन बी अचीव्ड इन एटलीस्ट 5 आवर और एट फिक्स्ड कन्वर्जन ऑफ ए गिवन बैच ऑफ ए फीड इज टेकन 5 आवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो ए, इसका राइट आंसर क्या है? ए, मतलब कि 5 रिएक्टर वॉल्यूम ऑफ ए फीड आर बीइंग फेड इनटू द रिएक्टर पर आवर, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चूंकि एग्जाम अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है इसलिए हम नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं। 15 क्वेश्चन का हम वीडियो बनाते थे लेकिन अब अभी कभी कभी 20, कभी कभी 25, कभी कभी 40 कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने हैं और मेरा टारगेट मैक्सिमम क्वेश्चन को अपने वीडियो से फंसाना है, ताकि एग्जाम के बाद आप लोगों को जो हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हो उसको काफ़ी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ इंडस्ट्रियल नॉइज एज रिकमेंडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज डेसिबल, इज डैश डेसिबल, मतलब WHO ने मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है इंडस्ट्रियल नॉइज का कितना रिकमेंड किया है? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 95, ऑप्शन डी 105, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 75, ठीक है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, सेफ्टी से रिलेटेड ये या एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। इसमें आपको एक क्वेश्चन और छिपा है कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये आज के क्वेश्चन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और अगर आप हमारे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।